हेलो फ्रेंड्स, आज आम ओडिया ग्रामर पर आउ किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा। ये क्वेश्चन गुड़िक आपंकर अपकमिंग पोस्टेड एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा सहित ए क्वेश्चन गुड़िकर ओटीड एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट रो सो भिडटी शेष पर्यटन देखिए। भिड गोटे गोटे लाइक करेंगे, सेयार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो चलतु स्टार्ट करवा किसी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहला प्राणत्व भित्तिरे ओडिया व्यंजन ध्वनि गुड़ी केउ दुई भाग में विभक्त कराई। ऑप्शन ए कला अघस सघस, ऑप्शन बी कला अल्प प्राण महाप्राण, ऑप्शन सी कला उत्कृप्त अर्धस्वर, ऑप्शन डी कला स्पर्श आ संघर्षी। तो प्राणत्व भित्तिरे ओडिया व्यंजन ध्वनि गुड़ी केउ दुईटी भाग में विभक्त कराई ना आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण आ महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भू धातु व्यवहार करा जाइथिबा उपसर्गयुक्त शब्द को बाछ। ऑप्शन ए कला अभिभव, बी कहला आगमन, सी कहला बिहार, डी कहला प्रदान। तेलर आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभिभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया दिवा स्वप्न देखा रूढ़ीर अर्थ निरूपण कर। तले जो दिवा स्वप्न देखा रूढ़ीर अर्थ हो ऑप्शन ए कहला दिन में स्वप्न देखा, बी कहला आशा करवा, सी कहला परिश्रम करवा, डी कहला असंभव वस्तु आशा करवा। दिवा स्वप्न देखा मान हूँ असंभव वस्तु आशा करवा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गुप्त कथाटी पदार पड़ा अर्थ व्यक्त करुवा रूढ़ीटी को चिन्हाओ। ऑप्शन ए कहला कथा पकाइबा, बी कहला कथा फुटा, सी कहला कथा रखा, डी कहला कथा छिंडाइबा। तले गुप्त कथाटी पदार पड़ा मान हूँ कथा फुटा ऑप्शन बी होमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों पद काल सूचाइबार सहायक होता है। ऑप्शन ए कहला क्रियापद, बी कहला विशेष्य पद, सी कहला विशेषण पद, डी कहला कारक। ताले क्यों पद काल सूचाइबार सहायक होता है ना आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रियापद। ताले क्रियापद काल सूचाइबार सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया खर्वकाय शब्दर विपरीत शब्दी पचारा। ऑप्शन ए कहला दीर्घकाय, बी कहला बंगरा, सी कहला कदाकार, डी कहला कुश्चित। ताले खर्वकायर विपरीत हो दीर्घकाय ऑप्शन ए जो राइट आंसर दीर्घकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया स्वभाव अर्थर इ प्रत्यय जोगे गठित शब्दी बाछ। ताले स्वभाव अर्थर इ प्रत्यय ऑप्शन ए कहला हिसाबी, बी कहला अफिमी, सी कहला मालती, डी कहला आठ हाथी। ताले स्वभाव अर्थर इ प्रत्यय हेले आमर हिसाबी ऑप्शन ए जो राइट आंसर हिसाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों पदर अभाव वाक्य असंपूर्ण रहे। ताले क्यों पदर अभाव वाक्य आमर असंपूर्ण रहइबो ना ऑप्शन ए कहला विशेष पद, बी कहला विशेषण पद, सी कला अवय पद, डी कला क्रियापद। ताले क्यों पदर अभाव वाक्य असंपूर्ण रहे ना आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रियापद। ताले क्रियापदर अभाव वाक्य आमर असंपूर्ण रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया दांत शब्दर समार्थबोधक शब्द पचारा। ऑप्शन ए कला तितव, बी कला ताती, सी कला दर्शन, डी कला दर्शन। ताले दांत शब्दर समार्थबोधक शब्द कौटा ना दर्शन ऑप्शन सी ए जो राइट आंसर दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक संयुक्त स्वरध्वनि। ऑप्शन ए कला अ, बी कहला इ, सी कहला ए, डी कहला ओ। ताले केउटी एक संयुक्त स्वरध्वनि ना आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी ओ। ओ होउछि गोटे संयुक्त स्वरध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अप उपसर्ग संयुक्त सुंदर अर्थर व्यवहित एक शब्द बाछ। ताले अप उपसर्ग लगी अर्थ होउथियो सुंदर ताले सेटा कौन ऑप्शन ए कला अपवाद, बी कला अपस्मार, सी कला अपरूप, डी कला अपजस। ताले हमर आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निम्नोक्त विशेष्य मानक मध्यरु केउटी अन्य मानक ठारु भिन्न। ऑप्शन ए कहला कोणार्क, बी कहला भारत, सी कहला शिव, डी कहला पत्थर। ताले विशेष्य मध्यरु कोटा अलगा ना ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अन्नाथ शब्दर विपरीत शब्द पचारा। ऑप्शन ए कहला प्राणनाथ, बी कहला सन्नाथ, सी कहला स्वर्णनाथ, डी कहला सुनाथ। ताले अन्नाथर विपरीत होउछि सन्नाथ ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर सन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया धातुरु प्रत्यय जोगे शब्द गठित होला बेले एथिरे केते प्रकार परिवर्तन घटे। ऑप्शन ए कला दुई, बी कला तीन, सी कला चार, डी कला पाँच। ताले आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए दुई। ताले धातुरु प्रत्यय जोगे शब्द गठित होला बेले एथिरे दि प्रकार परिवर्तन होता है ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला केउटी एक पर्तुगीज शब्द। ऑप्शन ए कला अर्दली, बी कला सीट, सी कला सिलट, डी कला किराणी। ताले किराणी होउछि गोटे पर्तुगीज शब्द ऑप्शन डी हेजो राइट आंसर किराणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया गम धातु व्यवहार करा जाउथिबा उपसर्गयुक्त शब्द को बाछ। ताले गम धातु व्यवहार होइथिबा उपसर्गयुक्त शब्द कोटा ऑप्शन ए कला परिहार, बी कला दुर्गम, सी कला अपमान, डी कला निर्माण। ताले गम धातु व्यवहार करा जाइथिबा उपसर्गयुक्त शब्द कोटा ना ऑप्शन बी हेजो राइट आंसर दुर्गमटा होउछि हमर दुर्गम रे हमर गम धातु लागि दुर्गम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हतज्ञान होगा ए रूढ़ीर अर्थ पचारा। ऑप्शन ए कहला आखि पानी आखिरे मरवा, बी कहला आखिरु जुड़ीजुड़ी आपको बाहर, सी कहला आखि देवा, डी कहला आखि छुमा। तो हतज्ञान होगा मान हूँ आखिरु जुड़ीजुड़ी आपक बाहर, ऑप्शन बी हो जाए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया मुंडरे हाथ दे बसिबार रूढ़ी पचारा। तले मुंडरे हाथ दे बसिबार अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला मुंड पुरैवा, बी कहला मुंड बिंधिबा, सी कहला किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा, डी कहला प्रहार खाइबा। तले मुंडरे हाथ दे बसिया माने होची किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया लोकटी भारी दयालु, एठार दयालु की प्रकार पद? तले ये जो दयालु दला एटा की प्रकार पद? ऑप्शन ए कहला विशेष्य, बी कहला विशेषण, सी कहला सर्वनाम, डी कहला क्रिया। तले लोकटी भारी दयालु, दयालु होची आमर एटा गोटे विशेषण पद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ओडिया भाषा रे स्वर ध्वनि संख्या केते? तले ओडिया भाषा रे स्वर ध्वनि संख्या केते? ऑप्शन ए कहला 6टी, बी कहला 8टी, सी कहला 10टी, डी कहला 13टी। तले स्वर ध्वनि होउछ हमरा 8टी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 8टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया समीप्य अर्थ रे व्यवहृत न उपसर्ग संयुक्त एक शब्दवाच। तले समीप्य अर्थ रे न उपसर्ग, ऑप्शन ए कहला निदान, बी कहला निमंग, सी कहला निक्षेप, डी कहला निकट। तले समीप्य अर्थ रे न उपसर्ग सेटा हमर हेला निकट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया रविवार दिन कटक सभा होइथिबा। तले रविवार दिन कटक सभा होइथिबा, ए जो वाक्यटी एथरे केउ काल सूचना देउजी? ऑप्शन ए कहला संभाव्य भूत, बी कहला नित्य प्रवृत्त भूत, सी कहला आनुमानिक भूत, डी कहला प्राग भूत। तले हमर आंसर हो ऑप्शन नंबर सी आनुमानिक भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अतिवृष्टि विपरीत शब्द, ऑप्शन ए कहला नवृष्टि, बी कहला अनावृष्टि, सी कहला सुवृष्टि, डी कहला कुवृष्टि। अतिवृष्टि विपरीत हो अनावृष्टि, ऑप्शन बी हो राइट आंसर, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अध्याय शब्दटी किपर गठित होती? ऑप्शन ए कहला अयुक्त अध्याय, बी कहला अधियुक्त आय, सी कहला अधियुक्त इयुक्त, डी कहला अर्धयुक्त आय। तले अध्याय शब्दर अध्याय शब्दटी केमी गठित होती ना? ऑप्शन सी हो राइट आंसर, अधियुक्त इयुक्त अ, अधियुक्त इयुक्त अ सेटा हो रहा अध्याय, अधियुक्त इयुक्त अ सीगला अध्याय, अधियुक्त इयुक्त अ अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ओडिया व्यंजन ध्वनि मानक मध्य क्यों ध्वनिटी लोड़ित ध्वनि भाव में परिचित? तो लोड़ित ध्वनि कौटा? ऑप्शन ए कहला ह, डी बी कहला ड, सी कहला ढ, डी कहला र। ताले ओडिया व्यंजन ध्वनि मानक मध्य आमर लोड़ित ध्वनि भाव में परिचित कि ना? र, ऑप्शन डी हो राइट आंसर, र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया माँ धातु व्यवहार कराइथे उपसर्गयुक्त शब्द को बाछ। ताले माँ धातु व्यवहार होता उपसर्गयुक्त शब्द कौटा ना? ऑप्शन ए कहला प्रभाव, बी कहला प्रतिमा, सी कहला प्रहाल, डी कहला प्रदान। ताले माँ धातु व्यवहार होती प्रतिमा, ऑप्शन बी हो राइट आंसर, प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया स्वार्थपर अर्थ व्यक्त करुवा रूढ़ी। ताले स्वार्थपर अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला एकुटिया बारा, बी कहला ओजन खोलिया, सी कहला कुहामुंडा कपिला, डी कहला भजा खाई बुलवा। ताले स्वार्थपर माने होची एकुटिया बारा, ऑप्शन ए हो राइट आंसर, एकुटिया बारा होची स्वार्थपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अर्धचंद्र रूढ़ीर अर्थ निरूपण कला। ताले अर्धचंद्र रूढ़ी कौन? ऑप्शन ए कहला फाड़िकिया चंद्र, बी कहला अधा चंद्र, सी कहला असंभव कथा, डी कहला गला धक्का। ताले अर्धचंद्र माने होची गला धक्का, ऑप्शन बी हो राइट आंसर, गला धक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला केउटी एक क्रियापद आ भितर क्रियापद कौटा पचारा? ऑप्शन ए कहला खाऊची, बी कहला भुंज, सी कहला खाद्य, डी कहला भोक। ताले क्रियापद हो खाऊची, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, खाऊची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया छिद्रान्वेषी शब्दर विपरीत शब्द। ऑप्शन ए कहला छिद्रयुक्त, बी कहला दुष्टा, सी कहला मंगलाकांक्षी, डी कहला अमंगलाकांक्षी। ताले हमर आंसर हो छिद्रान्वेषी विपरीत शब्द हो मंगलाकांक्षी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पाठक शब्दटी कृदंतरे केउं कारक वाच्य अंतर्गत? ऑप्शन ए कहला कर्ताकारक, बी कहला निमित्त कारक, सी कहला करणकारक, डी कहला कर्मकारक। ताले पाठक शब्दटी कृदंतरे केउं कारक वाच्य अंतर्गत ना? कर्ताकारक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कर्ताकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निम्नोक्त मध्यरु संबंध अर्थरे या प्रत्यय? ताले संबंध अर्थरे या प्रत्यय कोन देछि? ऑप्शन ए कहला हळिया, बी कहला मूल्या, सी कहला कालिया, डी कहला वर्षकिया। ताले संबंध अर्थरे या प्रत्यय से होछि हमरा वर्षकिया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वर्षकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया हरि पड़िया खेलुच्छे? ताले हरि पड़िया खेलुच्छे एठार क्रियाटी केउं काल को सूचित करुछि? ताले क्रिया होछि हमर कोन खेलुच्छी? ताले जो खेलुच्छे एटा कोउ काल को सूचित करुछि पचारा? ऑप्शन ए कहला नित्य प्रवृत्त वर्तमान, एटा वर्तमान नित्य प्रवृत्त वर्तमान। ऑप्शन बी कहला संपन्न वर्तमान, ऑप्शन सी कहला असंपन्न वर्तमान, डी कहला असंपन्न अतीत। ताले पड़िया खेलुच्छे माने एबे जाय खेलुच्छे, खेल चालू रहिछि,
बर्तमान कंटिन्यू हो खेल तेणु असंपन्न सरी तेल असंपन्न बर्तमान ऑप्शन सी हो राइट आंसर असंपन्न बर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया तोरणी शब्दर समार्थबोधक शब्द ऑप्शन ए कला नौका बी कला घोड़ा सी कला चंद्र डी कला आकाश। तोरणी शब्दर समार्थबोधक शब्द हो नौका ऑप्शन ए हो राइट आंसर नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ओडिया भाषा रे अ आ हर्सेई हर्सौ ए ओ आदि छोटी ध्वनि को की प्रकार स्वरध्वनि कहा जाए ताले ये जो अ आ हर्सेई हर्सौ ए ओ ये सबू ये जो ध्वनि को की प्रकार स्वरध्वनि कहा जाए ऑप्शन ए कला शुद्ध स्वर बी कला संयुक्त स्वर सी कला केंद्रीय स्वर बी कला द्वि स्वर। ताले हमारा आंसर ये जो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध स्वर ताले ये जो अ आ हर्सेई हर्सौ ए ये हो जाए शुद्ध स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवरोपित शब्द में क्यों उपसर्ग व्यवहृत होता है अवरोपित शब्द में क्यों उपसर्ग लगी ऑप्शन ए कला अधि बी कला अब सी कला अवरोहण डी कला विपरीत। ताल अवरोपित शब्द में क्यों उपसर्ग लगी अब ऑप्शन बी हो राइट आंसर अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया धातु में कौन युक्त कराई क्रियापद गठन कराए धातु आम कौन युक्त करी क्रियापद गठन ऑप्शन ए कला धातु बी कला प्रत्यय सी कला कर्ता डी कला कर्म। ताल धातु आम प्रत्यय युक्त करी क्रियापद गठन ऑप्शन बी हो राइट आंसर प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनंत शब्दर विपरीत शब्द ऑप्शन ए कला शांत बी कला सीमाहीन सी कला अनादि डी कला नियंत। ताले अनंत शब्दर विपरीत शब्द है आमर कौन ना शांत ऑप्शन ए इज राइट आंसर शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नास्ति अर्थक न सहित कौन सी समास निष्पन्न पद क्यों समास अंतर्भुक्त। ताले नास्ति अर्थक न सहित कौन सी समास निष्पन्न पद क्यों समास अंतर्भुक्त ना ऑप्शन डी हेज राइट आंसर नंज बहुब्री ऑप्शन डी हेज राइट आंसर नंज बहुब्री। नास्ति अर्थक न सहित कौन से समास निष्पन्न पद क्यों समास अंतर्भुक्त नंज बहुब्री ऑप्शन डी हेज राइट आंसर नंज बहुब्री। सो माँ को रंधा चली कि प्रकार वाच्य ताल माँ को रंधा चल जा कि प्रकार वाच्य ऑप्शन ए कला कर्तृवाच्य बी रे कला कर्मवाच्य सी रे कला भाववाच्य डी रे कला उद्देश्य। ताल माँ को रंधा चलती ये जो आम कर्मवाच्य ऑप्शन बी हो राइट आंसर कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्यर आरंभ में निम्नोक्त केउंटी रहे सेगुड़िक मधुर ठीक उत्तर टी बाछि लेख ऑप्शन ए कला कर्ता बी कला कर्म सी कला क्रिया डी कला उद्देश्य। ताल वाक्यर आरंभ में आम कौन रुए ना कर्ता ऑप्शन ए हो राइट आंसर कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्यर शेष में क्यों पदटी रहे वाक्यर शेष में कौन रहे ऑप्शन ए कला कर्म बी कला कर्ता सी कला क्रिया डी कला उद्देश्य। ताल वाक्यर शेष में कौन रहे ना क्रिया ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया रामचंद्र रावण को बध करते एठारे क्रियापद क्यों ऑप्शन ए कला रामचंद्र बी कला रावण सी कला बध डी कला करते रामचंद्र रावण को बध करते क्रियापद है ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अक्षय गोटे भल गीत गाइले वाक्यर कर्मपद टीए किए ऑप्शन ए कला अक्षय बी कला भल सी कला गीत डी कला गाइले। ताले अक्षय गोटे भल गीत गाइले एठारे कर्म होगा आमर गीत ऑप्शन सी हो राइट आंसर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पंडित शिष्य मानक उपदेश दे रेखांकित पद कि प्रकार पद ताल पंडित शिष्य मानक उपदेश दे ऑप्शन ए कहला गौणकर्म बी कहला मुख्य कर्म सी कहला दुई कर्मक डी कहला सकर्मक। ताल पंडित शिष्य मान उपदेश दे यहाँ आम हो गौणकर्म ऑप्शन ए हो राइट आंसर गौणकर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्य संबोधन पद क्यों रखा जाए ऑप्शन ए कला केवल आरंभ में बी कला केवल शेष में सी कला आरंभ में शेष में डी कला रखा जाए ना। ताल वाक्य संबोधन पद क्यों रखा जाए ऑप्शन सी हो राइट आंसर आरंभ में शेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया मत शक्ति दि प्रभु वाक्य केउंटी संबोधन पद ऑप्शन ए कला मत बी कला शक्ति सी कला दि डी कला प्रभु। ताल मत शक्ति दि वाक्य केउंटी संबोधन पद ना ऑप्शन डी हो राइट आंसर प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया चतुर लोक सबुठी जीतती रेखांकित पदटी कि प्रकार ताल ऑप्शन ए कला विशेष्य बी कला विशेषण सी कला मुख्यकर्म डी कला गौणकर्म। ताल चतुर लोक सबुठी जीतती यहाँ आम हो विशेषण ऑप्शन बी हो राइट आंसर विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्य विशेषण पद क्यों बसे ऑप्शन ए कला विशेष्य पद पूर्वर बी कला विशेष्य पद पर सी कला बसे ना डी कला कर्ता पर वाक्य विशेषण पद आमर विशेष्य पद पूर्वर बसे ऑप्शन ए हो राइट आंसर विशेष्य पद पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला सका कम आरंभ हुए वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य परिणत कर ताले सका कम आरंभ हुए ऑप्शन ए कला सका कम हुए कि ऑप्शन बी कला सका आरंभ कर ऑप्शन सी कला सका कम आरंभ हुए ना ऑप्शन डी कला सका कम करवा उचित।
ତାହେଲେ ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଓ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ନ ଏହି ପଦଟି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସେ ଅପସନ୍ ଏ କଲା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବି କଲା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ସି କଲା କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ଡି କଲା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ତାହେଲେ ନ ଏହି ପଦଟି ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସେ ନା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଓ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ଅଟେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ଅଟେ ତାହେଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବି କହିଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସି କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଡି କହିଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ବିବୃତି ସୂଚକ ବି କହିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ସି କହିଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଡି କହିଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଅଟେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ମରୁ କେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ନୁହେଁ ନିମ୍ନତରୁ କେଉଁଟି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ମାତ୍ର ବି କହିଲା ପ୍ରକୃତି ସି କହିଲା କିନ୍ତୁ ଡି କହିଲା ଓ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରକୃତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବି କହିଲା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସି କହିଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଡି କହିଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ବିବୃତ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବି କହିଲା ଆଦେଶସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସି କହିଲା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଡି କହିଲା ବକ୍ତବ୍ୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିବୃତ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବି କହିଲା ଅନୁରୋଧମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସି କହିଲା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଡି କହିଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବି କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସି କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଡି କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚିତ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହିବା ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବି କହିଲା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସି କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଡି କହିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚେତନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦବାଚକ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଅଚେତନ ବି କହିଲା ଅବଚେତନ ସି କହିଲା ଚେତନ ଡି କହିଲା ଚିନ୍ତନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚେତନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ଚେତନ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯାଦବ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି କହିଲା ଭାବାର୍ଥେ ସି କହିଲା ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଡି କହିଲା ବିକରାର୍ଥେ ତାହେଲେ ଯାଦବ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି ନା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ବଣୁଆ ବି କହିଲା ଅଷାଢ଼ୁଆ ସି କହିଲା ଘରୁଆ ଡି କହିଲା ମନୁଆ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଗଲେ ଆମର ରହିବ ମନୁଆ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି ଏଠାରେ ଅତି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି ଯେଉଁ ଅତିଟା ଦେଲା ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ବି କହିଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ସି କହିଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଡି କହିଲା ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହସ୍ତି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛ ତାହେଲେ ହସ୍ତି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଦ୍ୱୀପ ବି କହିଲା ଦ୍ୱୀପ ତାପରେ ସି କହିଲା ଦ୍ୟୁତ ଡି କହିଲା ଦିନ ତାହେଲେ ହସ୍ତି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱୀପ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱୀପ ଦରେ ହର୍ଷଇକାର ଦିଆଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା କ ବି କହିଲା ଖ ସି କହିଲା ଗ ଡି କହିଲା ସ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦନ୍ତେଶ ଦନ୍ତେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁଟି କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଆ ବି କହିଲା ଉପ ସି କହିଲା ଫି ଡି କହିଲା ଅତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା
गोपाल हसुअछि एटार हसुअछि कि प्रकार क्रियापद ऑप्शन ए कहला सकर्मक बी कहला अकर्मक सी कहला समापिका डी कहला असमापिका ताले गोपाल हसुअछि एटा हसुअछि जो हेला एटा हो जमरा अकर्मक क्रियापद ऑप्शन बी हिज राइट आंसर अकर्मक क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्यमान शब्दर विपरीतार्थबोध शब्दटी कौन ऑप्शन ए कहला नवीन बी कहला असीम सी कहला अग्रगामी डी कहला अस्तगामी ताले उद्यमान शब्दर विपरीत शब्द कौन ना अस्तगामी ऑप्शन डी हिज राइट आंसर अस्तगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला साहित्य कि प्रकार शब्द ऑप्शन ए कहला देशज बी कहला वैदेशिक सी कहला तत्सम डी कहला तद्भव ताले साहित्य कि प्रकार शब्द ना ऑप्शन सी हिज राइट आंसर तत्सम ताले साहित्य हूँ गोटे आम तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला चर ये जो चर धातु व्यवहार कराइवा उपसर्गयुक्त शब्दी बाच ऑप्शन ए कहला संस्कार बी कहला संचार सी कहला उपस्मार डी कहला संस्थान ताले चर धातु व्यवहार हो कौटना ऑप्शन बी हिज राइट आंसर संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अति सुंदर अर्थ व्यक्त करुवा रूढ़ीटी गच ऑप्शन ए कहला खतबदार पद्म बी कहला गोटे चावल गढ़ा सी कहला गहम गोटी गणिता डी कहला इतिश्री हवा ताले अति सुंदर अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी कौन ना गोटे चावल गढ़ा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ओट मुहर जीरा ये रूढ़ीर अर्थ कौन ऑप्शन ए कहला बहुत आशायी को अल्पदान बी कहला प्रभुत्व प्राप्ति सी कहला कम आशायी को अधिक दान डी कहला संपूर्ण ताले ओट मुहर जीरा मान हूँ बहुत आशायी को अल्पदान ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्दिष्टतावाचक विशेषण केते भाग विभक्त ताले निर्दिष्टतावाचक विशेषण केते भाग विभक्त ऑप्शन ए कहला दुई भाग बी कहला तीन भाग सी कहला चार भाग डी कहला पांच भाग आंसर हो ऑप्शन नंबर ए दुई भाग ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निमग्न शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दी बाछ ताले निमग्न शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दी कौन ऑप्शन ए कहला समन बी कहला अमनोयोगी सी कहला सदय डी कहला भासमान ताले निमग्न शब्दर विपरीत शब्द कौन ना भासमान ऑप्शन डी हिज राइट आंसर भासमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पांडित्य शब्दटी केउ प्रक्रिया रे विशेषण रु विशेष्य पद होई ताले पांडित्य शब्दटी केउ प्रक्रिया रे विशेषण रु विशेष्य पद होई ऑप्शन ए कहला उपपद युक्त होई बी कहला क्रुदंत प्रक्रिया सी कहला तद्धित प्रक्रिया डी कहला संधि विच्छेद प्रक्रिया ताले पांडित्य शब्दटी आमर तद्धित प्रक्रिया रे विशेषण रु विशेष्य पद होई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अच्छी अर्थ रे एही प्रत्यय जोगरे गठित शब्द को आछा ताले अच्छी अर्थ रे एही प्रत्यय ऑप्शन ए कहला मिठेई बी कहला कुल्लेई सी कहला सफे डी कहला बढ़ई ताले अच्छी अर्थ रे एही प्रत्यय हेले मिठेई ऑप्शन ए इज राइट आंसर मिठेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिलाटीर लेखा अति सुंदर रेखांकित पदटी की प्रकार पद ताले पिलाटीर लेखा अति सुंदर ऑप्शन ए कहला विशेषण बी कहला कर्म सी कहला क्रियावाचक विशेष्य डी कहला क्रिया विशेषण ताले पिलाटीर लेखा अति सुंदर ये जो आम क्रियावाचक विशेष्य ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्रियावाचक विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वास शब्दर समर्थबोधक शब्दटी बाछ ऑप्शन ए कहला द्वारपाल बी कहला सेनापति सी कहला मंत्री डी कहला कटुवाल ताले द्वास शब्दर समर्थबोधक शब्द हूँ द्वारपाल ऑप्शन ए हिज राइट आंसर द्वारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देला वाक्य रे केउ शब्द लागिले ता नास्तिवाचक वाक्य होइताय ताले वाक्य रे केउ शब्द लागिले ता गोटे नास्तिवाचक वाक्य होइताय ना ऑप्शन ए कहला नाही बी कहला हाँ सी कहला किंतु डी कहला ओ ताले हमर आंसर हिज ऑप्शन नंबर ए नाही ताले वाक्य रे नाही शब्द लागिले ता नास्तिवाचक वाक्य होइताय। सो फ्रेंड्स एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन जदि वीडियो टी भल लागिस ताले वीडियो गोटे गोटे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।